हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। ठीक है, फर्स्टली हम आपको बता चुके हैं जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी ओ। जैसे कि आप एल्डिहाइड में देखोगे तो उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, आर सी एच ओ। तो जो सी और डबल बोन के साथ ये हमारा ओ अटैच रहता है एच, ठीक है। और जो इसमें ये सी ओ ग्रुप है ये हमारा क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। ऐसे आप कार्बोक्सिलिक को देखोगे तो सी ओ ओ एच, तो सी ओ ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ये भी हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक के जो हमारे डेरिवेट्स होते हैं जैसे कि एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल एसिड क्लोराइड, ये सब हमारे डेरिवेट्स जो हैं ये भी हमारे क्या, इनमें भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके रिडक्शन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ए पार्ट जो है, हम डिस्कस करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी एच ओ, और कीटोन ग्रुप जिसमें क्या फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, आर सी ओ आर। ठीक है, तो ये हमारा जनरल, इसका ये हमारा ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, सी एच ओ ग्रुप और सी ओ ग्रुप, ये हमारा क्या होता है, इनमें एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ये हो गया हमारा रिडक्शन का मतलब, कोई ना कोई हमने अपचायक पदार्थ यूज़ किया, रिड्यूसिंग एजेंट जिसे बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड और सोडियम अमलगम प्लस वाटर। तो फोर्थ है हमारा निकिल या प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस, यानी कि हम जो हम किस किस के प्रेजेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, निकिल हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, ये हमारे उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारे सरफेस एरिया जो होता है उसमें एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा ऐड होता है वो हमारा हाइड्रोजन ही गैस ऐड होता है। तो ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है जिन्हें आप प्लान रखोगे। अब इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन इन एजेंट के थ्रू कैसे किया जाता है वो अब डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे फर्स्टली मैंने क्या बनाया हुआ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप देखोगे ये हमारा एल्डिहाइड आर सी एच ओ, उसका रिडक्शन में जो एच मिला है वो हमारा किससे मिला है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि हाइड्राइड आयन हमारे पास कैसे आता है जो इस पर एल्डिहाइड पर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा है वो हमें किससे मिला है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब ब्रेक कैसे होगा, कितने एच है यहाँ पे, दो, एक एच आपका इससे जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, सी एच टू, और एक एच इससे जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ओ एच। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर फिर ये सी एच टू और फिर ये ओ एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट कार्बन से अल्कोहल है और उसके एक साइड जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसलिए कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन के थ्रू हम कौन सा अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एग्जाम्पल हमने लिया है इसका एस्टेएल्डिहाइड, आर के जगह हमने क्या लिया है, सी एस थ्री, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला एस्टेएल्डिहाइड। इसका रिडक्शन जब हम करते हैं किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो एक एच यहाँ से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सी एस टू, और एक एच इससे जुड़ेगा तो ए ओ एच, तो क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच। इसको हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो एथ, और कॉमन नेम है इसलिए वाई एल लगाया, और ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे, आर की जगह क्या लोगे आप, सी टू एच फाइव। ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप आपका है तो आपका हो जाएगा ये एक, और ये दो कार्बन तीन, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल इसका प्रोपेनल बोलोगे या फिर आप बोल सकते हो प्रोपने एल्डिहाइड। तो प्रोपने एल्डिहाइड का रिडक्शन के थ्रू हमारा कौन सा अल्कोहल बनेगा वो आप अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कीटोन की, कीटोन हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आर सी ओ आर सी ओ आर। ठीक है, ये हमारा कीटोन हो गया, इसका रिडक्शन हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो सिंपली जैसे उसमें करते एक सी से एच जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी एच, और इससे एच जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओ एच। तो आपका देखो
सेकेंड कार्बन क्यों हमने बोला, इस कार्बन से हमारे कितने साइड अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, हमारे दो साइड जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल इसको लेके चलेंगे हम, आर की जगह अगर हम सी एस थ्री लेते हैं और दूसरे आर की जगह भी हम सी एस थ्री लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। इसका रिडक्शन जब हम करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो एक सी से एच और ओ से हमारा एच, तो हमारा क्या बन जाएगा, सी एच ओ एच। अब इसका आई पी सी नेम अगर आप लिखना चाहोगे तो 1, 2, 3, तो सेकंड पर क्या आपका ओ एच ग्रुप है तो क्या लिखोगे, ऑल, और तीन कार्बन है तो प्रोपेन, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, कॉमन नेम आइसो वर्ड मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इस कार्बन से हमारे कितने साइड हमारे अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो 1 और ये 2, टू साइड अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसलिए मैंने वर्ड क्या दिया, आइसो। ठीक है, तीन कार्बन है तो इसलिए क्या हो गया, प्रॉप। कॉमन नेम में हम क्या जुड़ते हैं, वाई एल, और ओ एच ग्रुप है तो अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो आप बोल सकते हैं कि कीटोन से हमारा कौन सा अल्कोहल बनेगा, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड से बनेगा। तो अगर आपका एल्डिहाइड का रिडक्शन आता है तो आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, अगर सेकेंडरी बनाना है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आप कीटोन का रिडक्शन करेंगे। ओके, अब दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे लेंगे, इस आर की जगह आप, दोनों आर की जगह आप C2H5 लेके आप दूसरा एग्जांपल सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, यह हमारा हो गया, जो हमारा फर्स्ट रिडक्शन मेथड था वो हमारा था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे बी पार्ट, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ, ये आप देख सकते हैं, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेट्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है, उसमें सी ओ ओ एच, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके डेरिवेट्स कैसे होते हैं, डेरिवेट्स हमारे कैसे बनते हैं, जैसे कि ये हमारा एच जो है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, जेड ले लिया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर जेड की जगह आप ओ एच रखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, अगर कोई हैलोजन ग्रुप रखोगे तो एसिड हैलाइड ग्रुप बन जाएगा, अगर इस जेड की जगह ओ आर रखोगे तो एस्टर बन जाएगा, अगर इस जेड की जगह आप ओ सी ओ आर रखोगे तो आपका एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेट्स होते हैं। आप सभी के एक एक एग्जाम्पल अपनी कॉपी के सामने लिखो और फिर आप उनके नाम ज़रूर मेंशन कर लो। ठीक है, अब मैंने इसका जनरल फॉर्मूला एक बना लिया है, आर सी ओ जेड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और उसके डेरिवेट्स भी हो सकते हैं। जेड की जगह आप ये रख सकते हो। इसका रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, हमने किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ही होगा, सोडियम बोरा हाइड्राइड के प्रेजेंस में नहीं कराना है। पहले स्टेप में इसका रिडक्शन होगा, सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो फर्स्ट स्टेप में वही सिंपली आप क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ से बोन ब्रेक होगा, इसके साथ एक दो एच जुड़ेंगे हमारे, और इसके साथ एक एच, और इसके साथ एक एच, तो ये क्या बना लेगा, एच एक्स, सॉरी जेड एच जेड, और ये क्या बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच, तो ये हमारा बन गया, आपको पता चल गया कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेट्स है उससे हमेशा हमारा कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि अगर जेड की जगह ओएच रहेगा तो कौन सा अल्कोहल बन सकता है, तो अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लिया है मैंने, आर सी ओ एच, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप इसको यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिडक्शन हुआ है सिंपली, यहाँ मैंने कट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो एच इससे जुड़ेंगे, एक एच इसका, तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच, और एक एच आप इससे जुड़ेगा तो आपका क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया है, आर की जगह मैंने क्या ले लिया, अल्काइल ग्रुप, एसिटिक एसिड नाम हो गया इसका, एसिटिक एसिड है तो यहाँ पे क्या, दो एच जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एच टू, और इससे एक ओ एच जुड़ेगा तो ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, और ओ एच से हमारा क्या जुड़ेगा, एच, तो बन जाएगा वाटर। दूसरा हमने जो है जेड की जगह सी एल लिया है, एक्स ले सकते हो, मैंने एक्स में क्या लिया है, ये
सीएल लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। सिंपली जैसे आप इसमें करते हो, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, दो एच आपके इस सी से जुड़ेंगे और एक एच इससे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा RCH2OH, और एक एच इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा HCl। यहाँ पे कितने हमें एच की आवश्यकता होगी, 4H की आवश्यकता होगी। तो अब हम इसमें एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे कि R की जगह अगर हम CH3 लेते हैं तो कौन सा अल्कोहल हमें मिलता है। तो जैसे आप देखोगे, आपने देखा है कि CH3COCl, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड, इसका रिडक्शन अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो दो एच हमारे इसी से जुड़ेंगे तो ये CH2 बन जाएगा, एक ओ से जुड़ेगा तो हमारा एच बन जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा RCH2OH, और इससे एच जुड़ेगा तो ये HCl, दो कार्बन ने तो एथ हो जाएगा, YL लगाओगे इथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एसिड एनहाइड्राइड की बात करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड की बात करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड में हमारा फॉर्मूला जो है जेड की जगह क्या आ गया, हमारा OCOR आ गया है। ठीक है, तो ये एसिड एनहाइड्राइड है हमारा, इसका रिडक्शन ब्रेक यहाँ से बॉन्ड होगा। आप जैसे इसमें गए, सी से कितने एच जुड़ रहे थे हमारे, दो, इससे एक एच, ठीक है, तो वही जोड़ा है हमने RCH2OH, तो एक हमारा ये पार्ट है और एक पार्ट ये है, इसलिए हमारे दो हैं तो इसलिए मैंने 2RCH2OH लिखा है, और ओ के साथ हमारा क्या हो जाएगा, एक एच इस साइड से जुड़ेगा, एक एच इससे साइड जुड़ेगा, तो कितने वाटर हो जाएंगे, दो एच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो एच की आवश्यकता हमारी कितनी होगी, 8H की हमें ज़रूरत होगी। तो ये हमारा बन गया प्राइमरी अल्कोहल। अब आर की जगह हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन था एसिड एनहाइड्राइड, अब हम एग्जांपल लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे CH3 लेते हैं तो इसका जो नाम हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, CH3 और फिर ये COO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका रिडक्शन अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराते हैं, फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो जाएगा और सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो हमारा रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोलिसिस होगा, तो फर्स्ट में हम हाइड्रोलिसिस लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप इसी मैकेनिज्म में पूरे अच्छे से डिटेल से बताऊंगी, तो आपको कन्फ्यूजन जाएगा कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कौन सा ग्रुप कहाँ अटैच होता है, तो वो आप ना अटैक ना लें। तो आपका क्या बन जाएगा, RCH2 CH3 CH2 OH और वाटर मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलोगे, इथाइल अल्कोहल। तो ऐसे आपने रिडक्शन प्रोसेस पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेट्स। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट आता है कि इसकी जो रिएक्शन है वो हम सोडियम बोराहाइड्राइड, ये हमारे सब एग्जांपल्स हैं भी, ठीक है। मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले हम लोग एक पॉइंट आता है, सोडियम बोराहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो हमारा एस्टर ग्रुप होता है या फिर जो कार्बोक्सिलिक बोलते हैं और उसके डेरिवेट्स हैं, वो हमारे सोडियम बोराहाइड्राइड से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो रीज़न क्या होता है ये सोडियम बोराहाइड्राइड से रिएक्ट ना करने का, तो रीज़न है हमारा कि जो ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और लेस रिएक्टिव है, इसलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है। क्योंकि बोरोन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका स्मॉल साइज है, दैट्स वाई इट इज़ अ लेस रिएक्टिव एटम। तो ये आपका आंसर होगा अगर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम बोराहाइड्राइड क्यों नहीं रिएक्ट करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करता, तो आपका रीज़न ये होगा। अब डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी मैकेनिज्म आती नहीं है लेकिन आपका कैसे ये रिएक्शन होती है उसके लिए आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या प्रोसेस है। तो रिडक्शन ऑफ, हमने किससे रिडक्शन कराया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसे एल्युमिनियम जो होते हैं वो 4OH से हमारे अटैच होते हैं, ये 4OH हैं। हाइड्राइड में जो हमारा H के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, क्योंकि नॉर्मली जो हाइड्रोजन बोलते हैं उसमें हमारा प्लस का चार्ज आ जाता है लेकिन इसमें माइनस का है हमारा, तो माइनस है, इसी की वजह से किसकी तरह वर्क करता है, ये न्यूक्लियोफाइल एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि किस पर अटैक करता है, इस सी पर अटैक कर सकता है। तो ये हमारा जो एच है वो हमारा किस पर अटैक करता है, इस सी से। जैसे ये एच सी से अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड जो है इससे ओ से हमारा कम हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी हमारी ये, और जो एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो पार्ट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारी कैसी बन जाएगी आप देख सकते हैं, आर सिंगल बॉन्ड, सी
फिर हमारा एच, और फिर ये एच इससे अटैच है, फिर ओ से हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस ओ से सिंगल बॉन्ड होते ही इस पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा प्रोटीनेशन होगा। प्रोटीनेशन में हमारे किसके साथ होगा, हमारा एच प्लस ओ है जिसको मैंने बोला था हाइड्रोलिसिस। तो एक एच इससे जुड़ जाएगा तो इसके एक ही बॉन्ड कम है ना हमारा, तो एक बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा आर सी एच टू और फिर ये ओ एच। तो प्राइमरी एल्कोहल लिथियम से जुड़ जाएगा ओ एच, तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल मैकेनिज्म किसकी थी, एल्डिहाइड की। ऐसे ही आप मुझे कीटोन की करके दिखाएंगे। कीटोन में आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ये इस एच की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, आर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो ये सी है ये एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। तो ये आपका जो है ये ग्रुप ना बनकर आपका क्या बनेगा, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में डिटेल में लिखेंगे आर सी एच, और ये हो जाएगा हमारा आर। इसको आर डैश ले लीजिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये क्या जाएगा ओ एच। ओके, तो आप देख सकते हो एल्डिहाइड से हमारा कौन सा अल्कोहल बना था, प्राइमरी, और इससे कौन सा अल्कोहल बना है हमारा, सेकेंडरी। ठीक है, इससे हमारा कौन सा अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल बना है। तो और जो सिंपली इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड वो तो आपके बनेंगे। तो आपका सिंपल मैकेनिज्म था हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का। अब डिस्कस करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेट्स की। तो कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेट्स की डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप जो है इसमें बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे मैंने जो लिया है एग्जांपल इसका सॉल्व करने के लिए एस्टर, एस्टर की जगह आप कार्बोक्सिलिक अदर कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, बस यहाँ पे इथाइल ईटी का मतलब यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे एच रखोगे तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, एस्टर की कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, वही जो एच है वो किस पर अटैक करेगा, इस पर, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी हमारी, ऐसी बन जाएगी। फिर हमारा जो है ये हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये इसे एक्सपेलिंग करेंगे, तो ये हमारा एक्सपेलिंग हो गया, लिविंग ग्रुप है ये, तो ये बाहर निकल जाएगा, और स्ट्रक्चर क्या बचेगी हमारे पास, सी एस थ्री सी एच ओ, जिसको हम क्या बोल देंगे, एस्टे एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा निकल गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो होगा, जो ये एल्डिहाइड बना है, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन अगर बनता है तो इसका दोबारा रिडक्शन पॉसिबल है, तो इसका दोबारा रिडक्शन होता है हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। सिंपली वही प्रोसेस होगी, जो ये एच है वो हमारा सी से अटैच होगा, ये बन जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोटीनेशन होगा। प्रोटीनेशन प्रोसेस में आपका क्या होगा, फिर हमारा ये प्रोटीनेशन प्रोसेस में यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, एच जुड़ जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू और फिर ये ओ एच। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल फिर से बन गया, एल्युमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो लिथियम प्लस आयन हमारा बचेगा, जो कि हमारा प्रोटीनेशन में जो ओ एच है वो इससे रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे आपकी मैकेनिज्म ये कंप्लीट होती है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर से आप देखोगे तो क्या होगा हमारा, रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और आपका क्या बनेगा, फिर ये वाला स्टेप बनेगा आपका, फिर उसके बाद इसका लिविंग ग्रुप एक्सपेल करेगा, तो फिर एक्सपेल करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो आपका फिर से रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद आपका प्रोटीनेशन होगा, और आपका जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ऐसे हमने ये रिडक्शन प्रोसेस पढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कन्वर्जन के लिए भी। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस लर्न होने चाहिए। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।